गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय आय, उसकी संरचना, उसका मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय आय का वृत्ताकार प्रभाव, इन सभी घटकों पर आपसे चर्चा की थी और आपने इन वीडियो को देखकर उसको समझा होगा। उस फर्स्ट मिनट के अंतर्गत यदि किसी तरह की आपको कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लिखने के बाद आपका समाधान कर दिया जाएगा। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वे नई टाइप को लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर आज तो हमारा विषय होगा मुद्रा, मुद्रा मनी। आज हम मुद्रा के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए छात्रों, हमारे आर्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है मुद्रा। बिना मुद्रा के हमारी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करना संभव नहीं है। इस संदर्भ में प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन की धुरी है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ आर्थिक तंत्र जो होता है वो चक्कर राउंड करता है, चक्कर लगाता है। इसलिए हम मार्शल की इस बात को पढ़ने के बाद यह अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है। तो यहां उसी प्रकार प्रोफेसर केन्स की बात भी हम करें, जेएम केन्स, इन्होंने कहा है कि मुद्रा सभ्यता का एक आवश्यक अंग है। मुद्रा इस सभ्यता का एक आवश्यक अंग है जिसके बिना हमारी आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। तो यदि हम मार्शल की बात करें, केन्स की बात करें, दोनों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे आर्थिक जीवन में, आर्थिक क्रियाओं में मुद्राओं मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान देखा गया। तो छात्रों, यहां पर बात की आती है कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों या मुद्रा हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो प्राचीन काल से हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित। वस्तु विनिमय का मतलब मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है किसी काम या सेवा के बदले वस्तु का विनिमय या वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। जब मानव की आवश्यकता सीमित थी, जब मानव की आवश्यकताएं संकुचित थी, तब मानव वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग ज्यादा करता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं और उन बढ़ती आवश्यकताओं के साथ कुछ समस्याएं हमारे सामने आने लगी हैं, तो हमने मुद्रा के विकास और उद्योग को आवश्यक समझा है। कहा जाता है आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मानव अपने जीवन में किसी वस्तु या संभावना की आवश्यकता महसूस करता है तो उसका फिर एक आविष्कार होता है। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है वो भी आवश्यकता के कारण ही हुआ है। तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों या मुद्रा हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ दोष पाए गए, कुछ कमियां पाई गई। वस्तु विनिमय प्रणाली में पाई जाने वाली कमियों के कारण हमारा जीवन कठिन हो गया, हमारे जीवन में विनिमय करना, हमारी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहां पर कि उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमने मुद्रा का उद्भव और विकास किया। तो वे कौन कौन सी कठिनाइयां थी उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे यहां पर। तो उनमें से वस्तु विनिमय की कठिनाइयां या दोष या मुद्रा की आवश्यकता के कारण, उसमें पहला जो कारण है वो है दोहरे संयोग का अभाव, दोहरे संयोगों का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोगों का अभाव था। अब यहां दोहरे संयोग से क्या मतलब है, तो देखिए छात्रों, यहां पर दोहरे संयोग से मतलब है कि हम जब किसी वस्तु सेवा का विनिमय करते हैं तो उस वस्तु सेवा का विनिमय तभी संभव
संभव नहीं। तो दोहरे संयोग का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि मेरे पास मक्का है, एक्स वस्तु मेरे पास मक्का है, मैं मक्का देना चाहता हूं और दूसरे व्यक्ति के पास वाई वस्तु गेहूं, इसके पास गेहूं है वाई वस्तु। अब यहां संयोग कब मिलेगा? जब मैं मक्का इसको देना चाहता हूं, मैं ए व्यक्ति हूं, ये बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति को मक्का देना चाहता है। अब यही विनिमय नहीं हुआ, ये विनिमय तब होगा जब ए बी को मक्का देना चाहता है, लेकिन क्या बी ए से मक्का लेना चाहता है? ये भी होना जरूरी है। इसके साथ कि जो मक्का देकर इसको मक्का दे रहा है, मक्का देना चाहता है, इसके बदले क्या ए व्यक्ति बी से गेहूं लेना चाहता है? तो इस प्रकार के संयोग को अपन को बिठाना होगा कि जो मक्का देने वाला है जिससे वो गेहूं प्राप्त करेगा वो मक्का लेने वाला है, और जो गेहूं दे रहा है हमें वो उसके बदले मक्का लेना स्वीकार करता है। तो इस प्रकार के संयोगों को जब तक आप ढूंढ नहीं लेंगे, उनको एडजस्ट नहीं कर लेंगे, तब तक विनिमय करना वस्तु विनिमय में संभव नहीं था। तो प्राचीन काल में इस प्रकार के संयोगों को ढूंढना पड़ता था, ना ज्यादा संचार की व्यवस्थाएं थी, ना हमारे पास किसी प्रकार की तकनीक की व्यवस्था थी, तो उस समय में हमें एक संयोग को ढूंढने में काफी समय लगता था। और आपको बताया गया कि वस्तुएं नाशवान होती हैं, नाशवान का मतलब जो जल्दी से उपभोग करने के बाद नष्ट हो जाती है। तो यदि हम संयोग ढूंढने में काफी समय लगा दें और वस्तु नाशवान है तो वस्तु की उपयोगिता या उसमें जो संतुष्टि का गुण है वो नष्ट हो जाएगा और वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो समस्या है और इस संयोगों का अभाव, इसने वस्तु विनिमय प्रणाली को गौण किया, कठिनाई उत्पन्न की और उसके कारण मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। दूसरा दोष इसमें आया मूल्य का मापक, मूल्य का मापक, मूल्य का मापक। मूल्य मापक से मतलब यह होता है यहां पर कि कोई भी उपभोक्ता या उत्पादक होता है या जो भी व्यक्ति होता है इकोनॉमी के अंदर, जिसके पास जो भी वस्तु है उस वस्तु को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ मानता है। समस्या यह थी कि उस समय वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे हो, हर व्यक्ति अपनी वस्तु को दूसरे की तुलना में उपयोगी मानता है, तो एक सार्थक मूल्य का निर्धारण करने की कोई हमारे पास उचित प्रणाली नहीं थी। धीरे धीरे समस्या व्यापक होने लगी कि जब हम मूल्य निर्धारित नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में हमारे सामने कठिनाई उत्पन्न हुई। उस समय में हमने पशुओं को, अन्य प्रकार के पत्थरों को, अन्य प्रकार के धातुओं को मुद्रा का रूप दिया, लेकिन वो मुद्रा का उचित मूल्य निर्धारण नहीं कर सके, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाई उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। इसके अलावा यदि हम बात करें वस्तु की अविभाज्यता, तीसरा जो दोष रहा वो रहा वस्तु की अविभाज्यता। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विनिमय हम करते हैं लेकिन उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, और यदि उनको विभाजित किया जाए तो उनमें जो उपयोगिता या सार्थकता जो सिद्ध होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कुछ अचल या अचल जिस भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनको विभाजित करना संभव नहीं था, और जब उनको विभाजित करना संभव नहीं था तो उनका विनिमय एक अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आने लगी। तो यहां उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक गाय का मूल्य विनिमय में एक गाय का मूल्य दो बकरी के बराबर, प्राचीन काल में हमने वस्तु का विनिमय मूल्य निर्धारित किया एक गाय का मूल्य दो बकरी। इसका मतलब हुआ कि यदि आप एक गाय लेना चाहते हैं उसके बदले आपको दो बकरी देनी पड़ेगी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही बकरी हो, एक बकरी का मूल्य होगा एक बटे दो गाय, ये सार्थक नहीं, एक बटे दो गाय बराबर है। यदि कोई व्यक्ति एक बकरी देना चाहता है तो हमें गाय को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस वस्तु का विभाजन किया जो संभव नहीं।
जो इसकी उपयोगिता को साधन। कहने का मतलब यह है किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आने लगी जिसके कारण हम वस्तु ने अपना को छोड़कर मुद्रा विनिमय की ओर आगे बढ़े। अगला जो इसमें दोष उत्पन्न हुआ वो था मूल्य का स्थानांतरण, स्थानांतरण ट्रांसफर, किसी वस्तु के मूल्य को स्थानांतरित करना। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य को स्थानांतरित करना संभव नहीं है क्योंकि वस्तुएं दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक चल वस्तु होती है और एक होती है अचल। चल वस्तु का मतलब होता है गतिमान, जिन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गति दी जा सकती है, भेजा जा सकता है, अदला बदली की जा सकती है, वे वस्तुएं होती है चल वस्तु। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अचल होती है, जो अगतिमान है, अगत्यात्मक है, जिनको गति नहीं दे सकते, स्थावर है। जैसे मकान, आज आप अपने शहर में मकान को बेचते लेकिन बड़े शहर में मकान खरीदना चाहते हैं तो वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता क्योंकि आपकी जो वस्तु है वो अचल है। तो मूल्य को स्थानांतरित करना बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास हुआ। आज मुद्रा के माध्यम से उस वस्तु का मूल्य मुद्रा में बदल दिया जाता है और आसानी से मुद्रा के बदले दूसरी वस्तु को उस स्थान पर खरीद लिया जाता है। आज इस प्रकार के अनेक ऐसे साधन हो गए आसानी से मूल्य का स्थानांतरण किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए भी हमने मुद्रा का बहुत विकास किया। इसके अलावा अगला जो दोष था इसमें भावी शोधों का निपटारा, भावी सौदों का निपटारा। भावी सौदों का निपटारे से मतलब यह है कि हम कई बार किसी वस्तु से वादी क्रय विक्रय में वायदा करते हैं कि मैं इस वस्तु का मूल्य आपको 6 महीने के बाद भुगतान करूंगा। ये वायदा होता है, भविष्य में उस वस्तु के मूल्य को निपटाना होता है। कई बार हम क्रेडिट पर या उधार पर उस वस्तु को ले लेते हैं और हम कहते हैं कि आपको 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद उसका मूल्य दे दिया जाएगा। तो मुद्रा से तो वो मूल्य संभव है, मुद्रा से तो मूल्य आपस में लेन देन करना संभव है, लेकिन वस्तु के संदर्भ में उसका निपटारा करना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बात करूं आपसे, आज मुझे किसी वस्तु के बदले गेहूं की जरूरत है, हमारा वस्तु विनिमय हुआ है कि आप 1 किलो मक्का के बदले मुझे 1 किलो गेहूं दे रहे हो और मैं कहता हूं कि आपको 6 महीने के बाद मैं मक्का दे दूंगा या 6 महीने के बाद मैं गेहूं दे दूंगा, तो हो सकता है 6 महीने के बाद मेरी आवश्यकता बदल जाए। आज तो मेरी आवश्यकता है लेकिन 6 महीने के बाद बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में मूल्य या भावी सौदों का निपटारा करना संभव नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारी वस्तु नाशवान होती है, उनको संचय नहीं कर सकते हम। जब संचय नहीं कर सकते तो फिर भविष्य में निपटारा कैसे होगा? तो वस्तु विनिमय में समस्या है, इसके कारण मुद्रा का उद्भव और विकास। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं मूल्य का संचय, मूल्य का संचय बचत करना। वस्तु विनिमय में वस्तु सेवा के मूल्य को संचित नहीं किया जा सकता था, जबकि मुद्रा विनिमय प्रणाली में वस्तु सेवा के मूल्य को आसानी से संचय किया जा सकता है। वस्तु विनिमय में किस प्रकार के दोष थे जिसके कारण वस्तु का मूल्य संचित करना संभव नहीं था? जैसे हम बात कर सकते हैं, एक तो वस्तु नाशवान जिनका एक बार उपभोग कर लिया उसके बाद नष्ट हो जाती है, उनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, नाशवान वस्तुओं को हम संचय नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरे की हम बात करें कि जो हमारी स्थिर या गैर नाशवान वस्तु है, जो टिकाऊ वस्तु है, वो ज्यादा स्थान घेरती है, जगह ज्यादा घेरती है, तो उनको भी हम संचय नहीं कर सकते। तो इनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि उनको संचय करना संभव नहीं है। जैसे हम प्राचीन काल में हमने मुद्रा का प्रतीक बनाया गाय, गाय के खुर को बनाया, उसके पैर को बनाया, उसके सींगों को बनाया। अब गाय की प्रकृति इस प्रकार की, गाय का संचय आप नहीं कर सकते क्योंकि संचय यदि आप करेंगे तो हो सकता है उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए। इसलिए वर्तमान काल में मुद्रा का संचय करना संभव है और जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें मुद्रा का संचय करना संभव नहीं।
तो छात्रों यहां पर किस प्रकार के दोष आपके सामने है, इन दोषों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों या वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम के अंदर कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों, तो आपके रूप समझाने होंगे या फिर आप वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो अब हमारे दिमाग में बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वर्तमान में जो मुद्रा का चलन है, जो हमारे सामने मुद्रा बनकर आई एक आई, वो इन दोषों के कारण है। मुद्रा का उद्भव जो विकास हुआ है वो प्राचीन काल में सारे दोषों के कारण हुआ। आगे हम चर्चा कर रहे हैं मुद्रा की शब्द उत्पत्ति, शब्द उत्पत्ति, शब्द उत्पत्ति कैसे हुई बनी। तो देखिए मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं, मनी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का, और इस मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के, भाषा कौन सी है, लैटिन, लैटिन भाषा का एक शब्द है मोनेटा, MONETA, मोनेटा ये शब्द है मोनेटा। मनी शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है उसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज के मोनेटा से मानी, और मोनेटा का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ण की रानी जूनो, ये मोनेटा का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ण की रानी जूनो। अब देखिए प्राचीन काल में जो एथेंस ग्रीक राज्य था वहां की रानी जूनो थी, और उस रानी को उस रियासत में बहुत सारे सुख थे जो स्वर्ग में प्राप्त हो, इसलिए उसको पर्याय मानते हुए, क्योंकि मुद्रा में भी वो गुण होता है, मुद्रा में भी वो गुण होता है जो व्यक्ति को स्वर्ग के समान सुख प्रदान कर सकती है। देखिए छात्रों आर्थिक युग है, आर्थिक युग में हमारी इच्छा है, हमारी आवश्यकता है मुद्रा से ही पूरी होती है। हम जो भी कल्पना करें, जो भी हमारे मन में संकल्प आता है उस संकल्प को मुद्रा से पूरा कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि स्वर्ग की रानी जूनो, रानी जूनो मोरेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऐसा भी एक जो अभिवदन वो भी ये कहती है कि उस समय जो मंदिर था वहां का उसमें अष्टधातु की जो मुद्रा इस रानी की बनाकर लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, इसके कारण भी उस मूर्ति को मुद्रा का रूप मानते हुए उस रानी से उसका अपमान किया गया। तो स्वर्ग के समान सुख देने वाले या स्वर्ग की रानी जूनो, ये मोनेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे अधिक कोई सुख प्राप्ति है तो वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग के सुख किससे प्राप्त किए जा सकते हैं वर्तमान समय में, मुद्रा से किए जा सकते हैं। इसलिए शब्द उत्पत्ति में कहा गया कि मोनेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग की रानी जूनो। तो यहां एक बार छोटा क्वेश्चन आपसे पूछने लगता है कि मनी जो है, मुद्रा जो है, इसकी शब्द उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा यहां पर क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे जो बात करेंगे वो करेंगे मुद्रा की परिभाषाएं, मुद्रा की परिभाषाएं। देखिए छात्रों मुद्रा की परिभाषाओं को व्यापकता है इसके अंदर, अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, इसलिए हमने यहां पर मुद्रा की परिभाषा को दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया विचार धारा के अनुसार, और एक बांट दिया हमने मुद्रा की नेचर के साथ, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। एक परिभाषा है तो उसके थॉट के आधार पर है और एक उसके नेचर के आधार पर। थॉट के आधार पर जब हम बात करते हैं तो ये परिभाषाएं तीन प्रकार से हैं, संकुचित, दूसरा है विस्तृत, और तीसरा है आधुनिक। आधुनिक तो तीन प्रकार से इसकी परिभाषा होने वाली।
मुद्रा की परिभाषा को कैसे हमने स्वीकार किया है, वो आधुनिक परिभाषा। और प्रकृति के अनुसार तीन भागों में बांटते हैं, वैधानिक वर्णात्मक, वैधानिक वर्णात्मक और तीसरा जो विकल्प है इसमें वो है सामान्य परिभाषाएं, सामान्य परिभाषा। विचार करने के अनुसार और प्रकृति के अनुसार दो भागों बांट दिया, विचार करने के अनुसार तीन भाग है, समुचित परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा। प्रकृति के अनुसार तीन भागों में वैधानिक जिसको कानून की मान्यता प्राप्त हो, जैसा कि अट्रैक कहता है सर्वग्राह्यता जिसको प्राप्त है, जिसके पीछे राज्य या सरकार का सपोर्ट होता है वही मुद्रा होती है वैधानिक। जो व्यापक तौर पर उसको समझाती है मुद्रा, वह मुद्रा का कार्य करे, कोई भी ऐसी वस्तु तो मुद्रा का कार्य करे, आटले 10 में कहा है मुद्रा वह मुद्रा का कार्य करे, वो आपका वर्णात्मक हो जाएगा। सामान्य स्वीकृति में सेलिमेंट की बात आ जाती है, जिसको सामान्य रूप से मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, जिसको सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो, जिसको पीछे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो, वो मुद्रा कहलाएगी। डॉक्टर कीन्स ने कह दिया, आटले 10 ने भी कह दिया कि वर्तमान समय में यदि हम बात करें मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम बने, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक बने, मुद्रा वह है जो मूल्य का संचय बने, मुद्रा वह है जो भविष्य का निपटारा करे। तो कहने का मतलब ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुद्रा जो भी कार्य कर रही है वो मुद्रा की परिभाषा जनरेट कर रहा है। यहाँ परिभाषा के आधार पर हम प्रकार इसको बांट सकते हैं, दोनों तीन तीन भागों में किए हैं, संकुचित विस्तृत और आधुनिक परिभाषाएं, वैधानिक वर्णात्मक और सामान्य परिभाषाएं। अब देखिए अब कुछ विद्वान हैं उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि किस व्यक्ति ने संकुचित परिभाषा को बताया, किस व्यक्ति ने विस्तृत परिभाषा को बताया, किस व्यक्ति ने आधुनिक परिभाषा को बताया। तो यहां रॉबर्टसन के भी हम बात करें, रॉबर्टसन ने मुद्रा की संकुचित परिभाषा दी। इसके बाद विस्तृत परिभाषा में हार्ड क्ले विदर्स आर्थिक दर्शन मुद्रा की विस्तृत परिभाषा समझेंगे। प्रोफेसर एली मार्शल, जिलियन कॉल ये विद्वान हैं जो मुद्रा की आधुनिक परिभाषा को बताते हैं। प्रोफेसर कीन्स, क्राउकर ये विद्वान मुद्रा की आधुनिक परिभाषा को लेकर सकते हैं। ये तो हो गया आपका विचारधारा के अनुसार। प्रकृति के अनुसार वैधानिकता की बात करेंगे, नेम और हार्ट्रे ये वैधानिकता की बात करते हैं, कानूनी मान्यता की बात करते हैं, कानूनी सपोर्ट की बात करते हैं। वर्णात्मक की बात करेंगे तो सिज्विक और आटले विदर्स, सिज्विक और आटले विदर्स, सिज्विक और आटले विदर्स से वर्णात्मक परिभाषा है। सामान्य परिभाषा में वाकर के लिए सैलिक मैन ये विद्वान प्रकृति के अनुसार अर्थशास्त्रीय परिभाषा को समझाते हैं। तो देखिए छात्र यहां पर कई बार हमें डिफाइन करना होता है मुद्रा क्या है, उसकी परिभाषा को समझाना होता है। तो मुद्रा की कोई एक सार्थक परिभाषा नहीं है, जिस रूप में वस्तु इकाई को अपने काम में ले लिया आपका विनिमय सफल हो गया वही वस्तु इकाई मुद्रा बन जाती है। आप किसी भी रूप में अपने विनिमय को किसी इकाई से संपन्न कर रहे हैं वो इकाई मुद्रा बन जाएगी। इसलिए इतनी सारी परिभाषा बनी है, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं की अगर बात करें यहां पर तो जैसे आर्थिक दर्श की परिभाषा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है आर्थिक दर्श की परिभाषा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन कई बार कुछ अलग अलग प्रक्रिया पढ़ेंगे, ये वाली परिभाषा मैंने बताई है, ये वाक्य की भी बताई है, लेकिन ऑथेंटिक जो सही बात है वो है ये परिभाषा वाक्य की नहीं है, ये हार्टले विदर्स की। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है। इसी प्रकार सेलिगमैन सामान्य स्वीकृति की सर्वग्राह्यता की बात करता है। सेलिगमैन कहता है
कि जो वस्तु का जिसको सर्वग्राहिता प्राप्त हो सभी ग्रहण कर ले सभी स्वीकार कर ले, इसके पीछे सामान्य स्वीकृति होती है, मुद्रा बन जाती है। प्रोफेसर ने जो है वो वैधानिकता की बात करें, जिसको सरकार की मान्यता हो, जिसको सरकार की वैधानिकता प्राप्त हो, जिसको संविधान ने मुद्रा घोषित किया हो, सरकार ने मुद्रा घोषित किया हो, मुद्रा बन जाती है। नए पार्ट ने कहता तो कहने का मतलब महाराष्ट्र की परिभाषा मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी, मुद्रा का एक कार्य जिसके चारों तरफ आठ स्तंभ चक्र लगाता है। चीन से कहता है ये वो सभ्यता का आवश्यक तत्व है जिसके बिना हम अपने आर्थिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर वो आपको समझना होगा, उनकी परिभाषाओं को समझकर आपको कुछ कुछ परिभाषाएं जो है वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसके बाद हमने यहाँ मुद्रा का अर्थ किया है, मुद्रा की उत्पत्ति की है, मुद्रा की शब्द उत्पत्ति की है, मुद्रा की परिभाषा। कल के वीडियो में हम आपको मुद्रा के कार्यों पर चर्चा करेंगे कि मुद्रा कौन से कार्य करती है। इसलिए आप आज जो है वो जहां तक अपनी बुक से कंसल्ट कर लें, लखनऊ नाथुरामदा की बुक आप अपने सिलेबस से थोड़ी ले लें, आप लाइब्रेरी से आकर ले जाए, ठीक है, उसमें आप पढ़ें। इनमें यदि किसी प्रकार की परिभाषा आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर या फोन के माध्यम से भी आप पूछकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।